हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे जो कि एस्टेरॉइड कोलिजन। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रोज देखेंगे, कोड करेंगे और लास्ट में उसको ड्राई रन भी करेंगे। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से शुद्ध हिंदी में प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कर रही है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रही है, वी आर गिवन एन इंटीजर एरे एस्टेरॉइड्स ऑफ साइज एन रिप्रेजेंटिंग एस्ट्रॉइड्स इन रो। ठीक है, हमें एक एरे दिया होगा साइज एन का, जिसमें हमें क्या दिया होगा, एस्ट्रॉइड्स दिए होंगे। ठीक है, हर एक पोजिशन पे एक एस्ट्रॉइड पड़ा होगा। ठीक है, फॉर ईच एस्ट्रॉइड द एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट इट्स साइज। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या मतलब, अगर नेगेटिव वैल्यू भी है तो हमें से पॉजिटिव अगर हम लेते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसका साइज। मतलब अगर प्लस तीन है और माइनस तीन है, दोनों सेम ही बात है, साइज उसका तीन ही है। ठीक है, द साइन रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। साइन किस लिए होगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। पॉजिटिव साइन है इसका मतलब जो एस्ट्रॉइड है वो किस साइड जा रहा है, राइट साइड में। नेगेटिव साइड होता है एस्ट्रॉइड किस साइड जा रहा, लेफ्ट साइड। ठीक है, और हर एक एस्ट्रॉइड की स्पीड क्या है, सेम स्पीड है। फाइंड आउट द स्टेट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स आफ्टर ऑल कोलिजन। फाइंड आउट द स्टेट ऑफ द एस्ट्रॉइड आफ्टर ऑल कोलिजन। इफ टू एस्ट्रॉइड्स मीट द स्मॉलर वन विल एक्सप्लोड। मतलब अगर दो एस्ट्रॉइड मीट होते हैं, ठीक है, एक लेफ्ट में एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है, दोनों मीट हो जाते हैं आपस में, तो कौन सा जो जिसका साइज स्मॉल होगा वो अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बच जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का साइज सेम हो तो दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें लास्ट में ये बताना है सारे कोलिजन वगैरह सबके बाद कि हमारे पास कौन कौन से एस्ट्रॉइड बचे हैं। ठीक है, ये अपना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको व्हाइट बोर्ड पर समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या कह रहा है। 3, 5, -3 ये दिए हुए हैं, अभी दोनों पॉजिटिव है, ये किधर मूव करेंगे, राइट साइड, ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड मूव करेगा। ठीक है, बना लेते हैं इसको, जा थोड़ा सा क्या कहते हैं, देख लेते हैं। 3, 5, -3। ठीक है, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कोलाइड कर देंगे। कौन सा खत्म होगा, ये वाला खत्म होगा, इसका साइज छोटा था। ठीक है, ये वाला खत्म होगा, ये बच गया। अब ये किधर मूव कर रहा है, इधर ही मूव कर रहा है, और ये भी किधर मूव कर रहा है, इधर। दोनों की स्पीड सेम है, तो मतलब सेम डायरेक्शन वाले कभी आपस में कोलाइड नहीं होंगे। ठीक है, कौन से बचेंगे अपने पास, 3 और 5 बचेगा, ये अपना आंसर है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। 3, 4, -10, 2, 6, -3 लिख लेते हैं, और लिख लेते हैं यहाँ पे 5। ठीक है, ये लिख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, सबकी डायरेक्शन बना दूंगा, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो ये और ये आपस में कोलाइड नहीं होंगे, लेकिन ये वाला किससे कोलाइड होगा, इससे कोलाइड हो जाएगा, इससे कोलाइड होगा। इसका साइज 10 है, इसका साइज 4 है, कौन सा फटेगा, ये वाला फट गया। ठीक है, अब ये वाला फट गया, 3 किधर मूव कर रहा है, इधर, -10 किधर मूव कर रहा, इधर, ये फिर इससे भी कोलाइड हो जाएगा, ये वाला फट जाएगा। ठीक है, अब -10 के आगे तो कुछ नहीं रहा, -10 हो गया, अपना आंसर में आ चुका है -10 अभी तक। ठीक है, आगे चलते हैं, +2, 2 किस साइड जा रहा है, इस साइड, 2 और -10 का कोई लेना लेना देना नहीं है, ये इस साइड जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, 6 किस साइड जा रहा, इस साइड जा रहा, -3 किस साइड आ रहा, इस साइड आ रहा। अब देखो -3 और 6 आपस में कोलाइड हो जाएंगे, कौन सा फटेगा, -3 फटेगा, बचे कौन से, -10 बच गया, 2 बच गया और 6, इतना बच गया। आगे कौन सा है, 5, वो भी किस साइड जा रहा, वो इस साइड, इस साइड, इस साइड, -10 किस साइड जा रहा, इस साइड। फाइनल आंसर क्या आया अपना, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें देखो, लेट्स से यहाँ पे 3, 4, यहाँ पे -3 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2, 5, यहाँ पे -7 है। अगर आप देखो, जब तक हमें पॉजिटिव मिल रहा है, क्या हमें कुछ करने की जरूरत है, नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल तक वो हमारे आंसर में होंगे। ठीक है, जैसे ही नेगेटिव एनकाउंटर होता है, ठीक है, जैसे ही नेगेटिव आएगा, हमें क्या देखना है, हमें उससे जस्ट प्रीवियस वाला पॉजिटिव देखना है, उसका साइज देखना है। ठीक है, अगर अगर इस पॉजिटिव का साइज इस नेगेटिव के साइज से छोटा है तो ये फट जाएगा, वरना ये फट जाएगा, और अगर ये फट गया तो इधर वाले तो सारे बच जाएंगे, और अगर ये फट गया तो फिर इसके साथ भी कोलाइड होगा। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब जब तक पॉजिटिव आ रहे हैं उनको लेते चलो। 3 आया ले लिया, 4 आया ले लिया, जैसे ही -3 आया उसको 4 के साथ बिठा के देखो कौन सा फट रहा, यहाँ पे -3 नहीं फट जाएगा। ठीक है, 3 और 4 ऐसे कैसे रह जाएंगे। ठीक है, फिर 2 आ जाएगा, फिर उसको भी ले लो, -3 तो फट गया था,
फिर 5 आ जाएगा, उसको भी ले लो। फिर -7 आएगा, -7 पहले किससे बढ़ेगा, -1 बढ़ेगा 5 से, 5 फट जाएगा। फिर -7 किससे बढ़ेगा, 2 से, 2 फट जाएगा। -7 किससे बढ़ेगा, 4 से, 4 फट जाएगा। -7 किससे बढ़ेगा, 3 से, 3 फट जाएगा। लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, -7। समझ रहे? अब ये देखो ये किस तरह से चल रहा है। स्टार्टिंग अपनी 3 से हुई थी, टॉप पे अपना क्या है 5, कुछ इस तरह से चल रहे हैं। और जैसे जैसे चल रहे हैं एलिमेंट अपना कहाँ पे आ रहा है, टॉप पे आ रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई हम इसमें स्टैक यूज कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल कह सकते हैं स्टैक यूज होगा। ठीक है, अब स्टैक कैसे यूज होगा, स्टैक में अगर आप देखो, अब स्टैक कैसे यूज होगा वो भी देखते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल बना लेते हैं। क्या एग्जांपल, 3 4 -3 2 5 -7। ठीक है, स्टैक कैसे यूज होगा, जैसे ही पॉजिटिव एलिमेंट आएगा उसको स्टैक में डाल दो। ठीक है, लेट्स से क्या लेते हैं, ये अपने पास स्टैक है, ST नाम से लेते हैं। 3 आया डाल दो, कोई चक्कर नहीं। 4 आया पुश कर दो, पुश कर दिया। -3 आया, टॉप चेक करो, क्या टॉप का साइज, क्या टॉप का साइज, -3, -3 को क्या लेके चलना है, साइज तो +3 है, +3 से लेस है। जी नहीं, कौन सा फटेगा, ये फट जाएगा, ये फट गया। 2 पे आ गए, 2 पुश कर दिया, 5 पे आ गए, क्योंकि ये तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, 3 4 5 5 2, ये सारे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको कभी कोलाइड नहीं होना। 5 आया पुश कर दिया, जैसे ही 7 है, 7 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, सबसे पहले किससे कोलाइड होगा, 5 से। सबसे पहले कोलाइड करा के देख लो भाई, 5 से, 5 से कोलाइड होगा, 5 फट जाएगा क्योंकि 5 का साइज छोटा है। 2 से कोलाइड होगा, फिर 2 भी फट जाएगा। फिर 4 से कोलाइड होगा, 4 भी फट जाएगा। फिर 3 से कोलाइड होगा, 3 भी फट जाएगा। लास्ट में माइनस, समझ रहे हो? इस तरह से हमें स्टैक को यूज करना है। मतलब अगर पॉजिटिव एलिमेंट मिले पुश कर दो डायरेक्ट, डायरेक्ट पुश कर दो स्टैक में। नेगेटिव एलिमेंट मिले तो लूप लगा लो टॉप से। ठीक है, टॉप एलिमेंट, टॉप एलिमेंट, जब तक टॉप एलिमेंट हमें छोटा मिलता रहेगा इस साइज से, जैसे 7 से, जब तक हमें टॉप एलिमेंट छोटा मिलता रहा उसे पॉप करते रहे, पॉप करते रहे, पॉप करते रहे। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। और लास्ट में जो भी हमारे स्टैक के अंदर पड़ा होगा, क्योंकि सारा खाली होने के बाद हम क्या पुश करेंगे स्टैक के अंदर, -7 पुश करना पड़ेगा अगर सारा खाली हो गया तो। ठीक है, तो लास्ट में जो भी स्टैक के अंदर होगा वो अपना क्या होगा आंसर। ठीक, अब कोड करते हैं। कोड के साथ साथ जो कुछ केसेस इसके बनेंगे, जो यहाँ पे एक्सप्लेन अभी नहीं किए हैं, वो भी एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कोड के साथ वो अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टैक ले लेते हैं, ले लिया, इतना काम हो गया। एक फोर लूप लगा लेंगे सिंपल एस्ट्रॉइड वाले एरे पे, इतना काम हो गया। अगर पॉजिटिव है हमें डायरेक्ट क्या पुश कर देना है, स्टैक में पुश कर दो अगर पॉजिटिव है। अगर एस्ट्रॉइड ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है तो डायरेक्ट पुश कर दो, कुछ नहीं सोचना। एक तो इसका नाम इतना बड़ा लिख रखा है, एस्ट्रॉइड भी दिक्कत है। एल्स अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव का केस हमने क्या बनाया था, नेगेटिव का केस देखो, जैसे ही नेगेटिव आ रहा था तो इटरेट करना था हमें, है ना, इसके ऊपर, स्टैक के ऊपर। स्टैक के ऊपर इटरेट करेंगे, कैसे करेंगे, वाइल, वाइल लूप सिंपल लगाएंगे, जब तक स्टैक का साइज है, मतलब 0 नहीं है स्टैक का साइज, है ना, जब ये 0 होगा अपने आप बाहर आ जाएगी। और स्टैक के जो टॉप पे है, कब हमें इटरेट करने की जरूरत है, कब आगे जाने की जरूरत है, जब ये टॉप वाला एलिमेंट, जैसे इस 7 से छोटा था, है ना, इसे पॉजिटिव में लेके चलना हमें, नेगेटिव में, नेगेटिव तो गलत डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा, साइज तो 7 ही है। कब तक इटरेट करना है, जब तक स्टैक का जो टॉप वाला एलिमेंट है वो छोटा है या इक्वल है। इक्वल वाले केस में देखो हमें क्या करना है, ये भी ध्यान रखना, बोथ विल एक्सप्लोड। इक्वल वाले केस में हमें पॉजिटिव वाले को भी उड़ा देना है, नेगेटिव वाले को भी उड़ा देना है। ठीक है, या तो छोटा है या इक्वल है, किससे, ABS ले लो, क्योंकि अगर ABS नहीं लोगे तो ये तो नेगेटिव में पड़ा होगा -7, इसलिए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अगर छोटा है या इक्वल है एस्ट्रॉइड ऑफ आई के, ठीक है, तो हमें क्या करना है। अब यहाँ पे एक केस बनता है, अगर इक्वल है, अगर इक्वल है तो दोनों को डिस्ट्रॉइड करना है, तो हमें क्या करना, पॉजिटिव वाला डिस्ट्रॉइड यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव वाला भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, एग्जांपल क्या अपने पास, छोटा सा लिखूंगा बिल्कुल, इससे आपको समझ में आएगा। 3 आया स्टैक में डाल दिया, 7 आया स्टैक में डाल दिया, जैसे ही -7 आया इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये भी फटेगा और ये भी फटेगा, तो -3 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, इसका मतलब 7 के साथ हमें लूप से बाहर आ जाना है। ठीक है, 7 के साथ लूप से बाहर आ जाना है। ठीक है,
अब ये जो -7 था, ये जो -7 था, इसका ये भी फट गया था, तो इसका इसे भी हमें पुश नहीं करना है आगे जाके, पुश नहीं करना, तो उसके लिए हमें एक इंडिकेशन लेनी पड़ेगी जो हमें बताएगी कि हमें पुश करना है या नहीं करना है। फॉल्स ले लेते हैं अभी, ठीक है, फॉल्स का इंडिकेट करेगा कि अभी पुश करना है। ट्रू ले लेते हैं, ट्रू इंडिकेट करेगा कि पुश करना है, ठीक है। अब इस केस में तो फट गया, अब ये फट गया तो इसको पुश करना ही नहीं है हमें, ठीक है, तो ए को हमने फॉल्स कर दिया। फॉल्स हमें क्या इंडिकेट करेगा कि अभी जो नेगेटिव एलिमेंट है इसको भी हमें पुश नहीं करना है, ठीक है, इफ अगर। या फिर एक और केस देखो, एक और केस क्या बन सकता है, किस केस में पुश करेंगे, मान लीजिए यहाँ 3 हो, यहाँ 4 हो, या -7। स्टैक में क्या गया, 3 भी चला गया, 4 भी चला गया, -7 आया, 4 खत्म, फिर -7 3 से भिड़ेगा, 3 खत्म। अब स्टैक क्या हो गया, स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी। तो -7 क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, क्योंकि -7 के तो इधर मूव कर रहा है ना, इसके इधर अब कोई इसे इसे मिलेगा ही नहीं, तो -7 तो हमारा आंसर में आएगा, तो इसका मतलब इसे स्टैक में पुश करना पड़ेगा। अगर अब देखो दो केस बनते हैं, अगर या तो स्टैक एम्प्टी हो जाए, या फिर या तो स्टैक एम्प्टी हो जाए, और एक केस अपना क्या बनता है, और वाला भी मैं लिखता हूँ, एक केस अपना क्या बनता है कि ए हमेशा क्या होना चाहिए, ट्री होना चाहिए, तभी पुश करेंगे, वरना हम पुश नहीं करेंगे। ए हमेशा क्या होना चाहिए, ट्री होना चाहिए, ठीक है, या तो इक्वल इक्वल ट्रू लिख लो, ये लिख लो, या फिर खाली ए लिख दो तो नए की बात है, या फिर हमारा क्या हो, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा हो वो लेस देन 0 हो। अब ये केस भी बताता हूँ मैं आपको, तो पुश क्या कर दो, एस्टेरॉइड ऑफ आई, ठीक है। अब ये जो लिखा मैंने एस टी डॉट टॉप लेस देन 0 हो, ये भी केस बता देते हैं जी आपको, ठीक है, साथ के साथ डाउट सारे क्लियर करते चलेंगे, कोई चक्कर नहीं है। 3 4 -7 -2 अगर ये पड़ा हो, ठीक है। अब देखो 3 4 3 4 हमने पुश कर दिया था, जैसे ही -7 आएगा वाइल लूप लगाएंगे, ये खत्म, फिर इसकी बारी आएगी, ये खत्म, फिर हम क्या चेक करेंगे, स्टैक क्या हो गया हमारा, एम्प्टी हो गया, और ए भी अपना क्या है, ट्रू ही है, ये तो हमारा फॉल्स, क्योंकि -7 के साथ हमें 7 +7 तो कहीं मिला ही नहीं, तो ए भी ट्रू रहेगा, तो इसका मतलब -7 तो पुश हो जाएगा, -7 तो सिंपल पुश हो गया। ये इतना काम अपना स्टैक में आ चुका, आंसर में इतना आ चुका। अग्गे में क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, -2 मिलेगा, तो फिर हम इटरेट करेंगे, इटरेट करेंगे तो क्या हमें नेगेटिव एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, इसका हमें कोई काम है ही नहीं, इसका तो हमें कोई काम है ही नहीं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, चेक करना है क्या टॉप पे लेस देन 0 एलिमेंट पड़ा है, क्या टॉप पे लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट ही तो इधर मूव करेगा, और ये भी नेगेटिव एलिमेंट है, तो मतलब -2 भी पुश हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब हमने क्या, इसलिए हमने ये लिखा है कि या तो एम्प्टी हो, या फिर टॉप पे जो एलिमेंट पड़ा हो वो लेस देन 0 हो, पर एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, ए ट्री होना चाहिए। अगर ए फॉल्स है, इसका ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि एस्टेरॉइड ऑफ आई फट गया जी, ठीक है, तो इतना काम हो गया अपना, ठीक है, बाकी और काम देखते हैं अपना, और चक क्या रहता है इसमें, एक इसमें अपना एक, हाँ एक कंडीशन और लगा देते हैं इसमें, क्योंकि अगर एस टी डॉट टॉप नेगेटिव होगा तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे इस केस में था ना, 7 हमारा स्टैक में आ चुका था, जब टू आया तो 7 के लिए तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो इसी डायरेक्शन में जा रहा सेम, इसका मतलब पॉजिटिव के लिए ही चेक करना है, नेगेटिव के लिए हमें चेक करने की कोई लोड अपने को नहीं है, ठीक है। यहाँ भी ए बी ऐसा आएगा, साइज हमें पॉजिटिव मान के चलना है, ठीक है जी। अब ये सारा कुछ जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारे किस में आ जाएगा, स्टैक में आ जाएगा, ठीक है। अब वेक्टर ले लेंगे एक सिंपल, ठीक है, जो भी स्टैक में है सारा कुछ इस वेक्टर में पुश कर देंगे, वाइल या तो ऐसे लिख लो, देखो मैं दोनों तो बातें करता हूँ, जब तक साइज 0 के इक्वल ना हो स्टैक का, क्या करो, एक वेरिएबल ले लो, टॉप डाल लो, पॉप कर दो, आंसर में अपना पुश कर दो, ठीक है, क्या जो वेरिएबल लिया टेम्प, या तो ऐसे लिख लो, और जब साइज 0 के इक्वल हो जाएगा तो वाइल से तो वैसे ही बाहर आ जाएगा वो, या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो
अब जो अपना आंसर था, अपना आंसर यहाँ पे क्या आया था, -7 और -2, ठीक है, कुछ इस तरह से आया था, -7 -2 स्टैक में, इस तरह से पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आंसर में, -2, फिर उसके बाद क्या आएगा, -7, बल्कि अपना आंसर और कैसा आना चाहिए, -7 -2। तो इसका मतलब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स हो गया, इतना काम हो गया अपना। लो जी, अब इसको रन करते हैं एक बार। एस्ट्रोइडो 5 वाज नॉट, अच्छा स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने कहीं, 13 पे एस्ट्रोइड्स ऐसा आएगा भाई हर एक जगह पे। ये लग गया अपना एस, चलो अब चलते हैं। एंड आएगा, ठीक है चलते हैं आगे। यहाँ पे एस टी डॉट पॉप नहीं करा, उसको भी कर सकते हैं। लो जी, वो भी काम कर दिया हमने। इतना हो गया, अब यही एग्जांपल है, ड्राई रन करके देखते हैं एक बार, सबमिट मार लेते हैं, फिर उसके बाद ड्राई रन करते हैं, ठीक है। सबमिट भी हो गया अपना, अब ये एग्जांपल ट्राई रन करते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल में ना काफी कुछ है जो आपके सारे डाउट मेरे हिसाब से क्लियर कर ही देगा। एग्जांपल लिखते हैं एक बार, टू माइनस 14, टू माइनस 10, 16 माइनस 16, थ्री माइनस 3, माइनस 9, 10, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या आया, टू, ठीक है इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखो सबसे पहले मैं पॉजिटिव, ये वाली इफ, ये इफ चल जाएगी अपनी, ठीक है, ये इफ चलेगी तो स्टैक बना लेता हूँ यहाँ पे मैं। ये अपना स्टैक बन गया, सबसे पहले टू आ गया जिसमें, ठीक है। अज्ञा क्या मिला, -14, -14 मिला, एल्स में जाएंगे, ए अभी ट्रू है, ठीक है। एल्स में गए, क्या चेक करेंगे, क्या एस टी डॉट टॉप, एस टी डॉट टॉप पे क्या है, -2, क्या -2 का साइज ए बी एस लगा रहे तो +14 से छोटा है। हाँ इसका मतलब क्या है कि जो ये 14 है ये इस 2 को खत्म कर देगा, ठीक है। अब ये इसको खत्म करेगा तो एस टी डॉट टॉप हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइज, ये इफ तो चलेंगे नहीं, दोनों का साइज इक्वल नहीं है अपने पास, ठीक है। एस टी डॉट पॉप हो गया, ये पॉप हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गई। अब क्या है, स्टैक का साइज अपना 0 बन गया, स्टैक का साइज 0 बन गया, तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन फॉल्स हुई, वाइल लूप से बाहर आया, यहाँ पे चेक हुआ, क्या स्टैक एम्प्टी है, जी हाँ स्टैक अपना एम्प्टी है। एंड क्या ए है, ए का मतलब क्या ए ट्रू है, जी हाँ ए ट्रू है, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो अपनी चली नहीं थी। अब क्या होगा, -14 पुश कर दो, -14 पुश कर दो, स्टैक के अंदर पुश हो चुका है। फिर आगे क्या आया, +2 पुश कर दो, फिर आगे क्या आया, -10, -10 आया, तो फिर ए फोर ए ट्री हो गया। फिर चेक करा टॉप पे क्या पड़ा है, +2, टॉप पे +2 पड़ा है, क्या वो 10 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, और क्या जो 2 है वो पॉजिटिव है, जी हाँ पॉजिटिव भी है, पर 10 और 2 तो आपस में इक्वल नहीं है, पॉप हो जाएगा, 2 कट गया। अब आ गया -14, -14 जैसे आएगा ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा, क्योंकि -2 ग्रेटर देन, -14 ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब -14 होगा। साथ में क्या पुश हो जाएगा, ये वाली कंडीशन चल जाएगी, एस टी डॉट टॉप क्या हो गया, <0, ए अपना ट्रू ही है, -10 भी साथ में पुश हो जाएगा, ठीक है। अभी तक के लिए अपना स्टैक जो बन चुका है -14 -10 अपने स्टैक में आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अब इसके बाद क्या होगा, 16 पुश हो जाएगा, सिंपल पॉजिटिव के लिए हम सिंपल पुश कर रहे हैं, -16 जैसे ही आएगा यहाँ पे वाली कंडीशन चल जाएगी, वाइल में जाके कंडीशन क्या चलेगी, दोनों इक्वल हो जाएंगे, -16 और +16 का साइज दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि ए बी एस लगा रखा है, एस टी डॉट पॉप ये तो कटेगा ही, साथ के साथ वाइल लूप से भी बाहर आ जाएंगे, ए को फॉल्स कर देंगे, ए को फॉल्स कर देंगे, इसका मतलब ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो -16 भी पुश नहीं होगा, ये भी पुश नहीं होगा। अब समझे आप, ये कंडीशन हमने क्यों लगाई, इसलिए लगाई ताकि ये दोनों आपस में जब भिड़े सेम साइज के, तो दोनों में से कोई ना पुश हो, ठीक है, एक तो पॉप हो जाएगा और ये वाला पुश ना हो, ठीक है। +3 पाए, +3 पुश हुआ,
-3π सेम 16 और -16 वाला काम होगा, ठीक है, सेम वही काम होगा, दोनों कटेंगे आपस में, ये तो कटेगा ही साथ में, ये भी कट जाएगा। -9π टॉप क्या मिलेगा, टॉप मिलेगा इसको नेगेटिव, ए क्या मिलेगा ट्रू, तो स्टैक में क्या आ जाएगा, -14 तो था ही, -10 भी आ जाएगा और -9 भी आ जाएगा, उसके बाद +10 आएगा, +10 तो +10 का कोई लेना देना ही नहीं है, +10 तो सिंपल अपना पुश हो जाएगा, +10 सिंपल पुश हो गया, लास्ट में अपना आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया, आंसर क्या बनेगा, -14 -10 -9 +10, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको गाइस समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।